दोस्तों इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये जो मैं आप लोगों को जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स बताने के लिए जा रहा हूँ, ये असल में जनधन सेविंग्स अकाउंट्स है दोस्तों, जो कि जनधन सेविंग्स अकाउंट्स BSBDA के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के बेनिफिट्स, फीचर्स, इसके अलावा लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का टॉप क्लास सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है दोस्तों। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक का मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग काफी ज्यादा शानदार होता है। बात करें दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 3% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर आपका एज 18 इयर्स होना चाहिए। इसके अलावा आप आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर के अपना सेविंग्स अकाउंट बहुत ही इजिली ओपन करवा सकते हैं दोस्तों। अगर हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करें, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं दोस्तों। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक में जनधन यानी कि BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए आपका किसी भी बैंक में कोई भी जनधन सेविंग्स अकाउंट्स, BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर होता है तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आप अपना अकाउंट्स ओपन नहीं करवा पाएंगे। बात करें दोस्तों अगर हम यहाँ पर बेनिफिट्स की, तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 15,000 ATMs हैं आईसीआईसीआई बैंक के अक्रॉस इंडिया में दोस्तों, यानी कि इंडिया में टोटल 15,000 प्लस ATMs हैं। आप इन ATM के जरिए अपना पैसा विड्रावल कर सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट पर नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पर आप लोगों को एक भी रुपीज मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों अकाउंट ओपन करते समय आपको एक भी रुपीज फंडिंग भी नहीं करना होता है दोस्तों, तो ये काफी शानदार अकाउंट्स है। इसके अलावा दोस्तों इस सेविंग्स अकाउंट्स के अंतर्गत ज्वाइंट और सिंगल अकाउंट दोनों ही अकाउंट्स आईसीआईसीआई बैंक ऑफर करता है। आप चाहे तो ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हाउस होल्ड को यानी कि हाउस वाइफ अगर कोई है, तो 5,000 रुपए तक का ओडी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप लोगों को पासबुक भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आप कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं दोस्तों, यहां पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मोबाइल बैंकिंग के लिए या फिर इंटरनेट बैंकिंग के लिए बैंक में जाकर के रिक्वेस्ट करते हो, तो आप लोगों को आईसीआईसीआई बैंक मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग भी प्रोवाइड कर देता है इस सेविंग्स अकाउंट से ऊपर। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम चार्जेस को डिस्कस करें, तो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस आप लोगों को एक भी रुपीज नहीं देना होगा। इसके अलावा कैश ट्रांजेक्शन चार्जेस बिल्कुल निल है। इसके साथ साथ दोस्तों एटीएम कार्ड के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक आप लोगों को जनधन रुपए डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, जिस पर आप लोगों को ना ही तो एनुअल फीस, ना ही तो आप लोगों को इश्योरेंस फीस देनी होगी। इसके साथ साथ स्टेटमेंट आप फ्री में ले सकते हैं। इसके अलावा SMS अलर्ट बिल्कुल फ्री है। इसके साथ साथ दोस्तों चेकबुक भी यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक प्रोवाइड करता है। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस में ये नहीं लिखा है कि कितने पेज का चेकबुक प्रोवाइड करेगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये जो जनधन रुपए डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है आईसीआईसीआई बैंक, इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 10,000 रुपए निकाल सकते हैं और 10,000 रुपए तक ही आप ऑनलाइन यानी कि ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के देखें यहाँ पर तो टोटल ये फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है। हालांकि जो मैंने आप लोगों को SMS अलर्ट चार्जेस बताया है, अगर 5,000 रुपए से अधिक का कोई भी ट्रांजेक्शन होता है और उसका SMS आपके पास में आता है, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को चार्जेस देना होगा दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा भविष्य में दोस्तों इस सेविंग्स अकाउंट्स में आप अपना एड्रेस चेंज करवाते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करवाते हैं, ईमेल एड्रेस चेंज करवाते हैं, तो ऐसे केसेस में यहाँ पर भी आप लोगों को एक भी रुपीज चार्जेस नहीं देना होता है दोस्तों, तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों मैंने अपने पिछली वीडियोस में बताई हुई है कि यहाँ पर कोई भी आप जनधन सेविंग्स अकाउंट नया अकाउंट ओपन करवाते हो, तो उस अकाउंट से ज्यादा ट्रांजेक्शन ना करो, नहीं तो वो अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इस समय बैंक का बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, RBI का बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, ज्यादातर कस्टमर्स का अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने अकाउंट से, उन लोगों का, तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि ज्यादा आप ट्रांजेक्शन ना करें। इसके अलावा यहाँ पर UPI भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि हम सर कितना यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो दोस्तों देखो ये सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट तो है नहीं। इसके अलावा अगर आप ITR फाइल नहीं करते हो,
तो यहाँ पर 1 ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर 10 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन होता है तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है आपके पास में, तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। और जब नोटिस आएगा तो आप लोगों के लिए, आप लोगों को कहने के लिए सवाल नहीं होगा, जवाब नहीं होगा कि मैं क्या कहूं, मैंने ट्रांजेक्शन कैसे किया है। तो दोस्तों यहां पर काफी सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि मेरे पास कहां ही नोटिस आता है, 10 लाख 20 लाख मैं ट्रांजेक्शन करता हूं फिर भी नहीं नोटिस आता है। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आज नहीं आया तो कल नहीं आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स के पास में पावर होता है कि वो 7 साल के अंदर कभी भी आपके पास में नोटिस भेज सकता है। और मान लो आपने आज कोई भी ट्रांजेक्शन किया है और इस ट्रांजेक्शन का नोटिस अगले 2 साल के बाद में आया, तो इस ट्रांजेक्शन को आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने कहाँ किया, तो फिर बाद में आप फंस जाओगे और आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करना चाहते हो तो इससे अच्छा सेविंग्स अकाउंट्स कोई भी नहीं है दोस्तों। और इसके साथ साथ जो रुपए डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है उस पर आप लोगों को 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी देखने को मिल जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।